नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अग्नि महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास में कि बच्चा कपड़े में पेशाब करता है, दिन में या रात में, जानबूझकर या अनजाने में, तो उसका इलाज करो। तो ये एक्चुअली एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम है, और ये यदि दिन में होता है, कुछ लोगों को, बच्चों को सिर्फ रात में होता है तो उसको बोलते हैं नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, दिन में होता है तो बोलते हैं डायर्नल एन्यूरेसिस, और काफ़ी बच्चों को दिन में भी होता है रात में भी होता है, नॉक्चर्नल एंड डायर्नल एन्यूरेसिस। तो 4 साल के बच्चे के ऊपर, मतलब उम्र 4 साल के, 4 साल से ज़्यादा है, और वो बच्चा ऐसा कर रहा है, कपड़े में पेशाब कर रहा है, तो ये बीमारी है ऐसा समझना चाहिए। वो जानबूझकर करता होगा या अनजाने में रात में करता होगा, तभी भी बीमारी है। ये बेड में करता है रात में या दिन में कपड़े में करता है, ऐसा भी हो सकता है। ये बच्चों को बाकी कोई शारीरिक बीमारी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या सीजर डिसऑर्डर है, मतलब फिट्स की बीमारी है, या और कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होना चाहिए। यदि वो शारीरिक बीमारी की वजह से करता है तो फिर वो एन्यूरेसिस नहीं है, दूसरी कोई बीमारी है प्राइमरी, वो देखना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार यदि बच्चा वो करता है और 3 महीने लगातार ऐसा करता है और 4 साल की ऊपर उम्र है तो ये एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम है। तो ये नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस ज़्यादा होता है बच्चों में, कि रात में कपड़े में पेशाब करना, बेड में पेशाब करना। इसमें भी क्या करना चाहिए, इलाज ये है कि बच्चों को शेम शेम नहीं करना चाहिए, मतलब उसको गिल्टी नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि भाई उसको बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, या उसको उसका इंसल्ट कर रहे सवेरे, या उसको बहुत सजा दे रहे हैं, ऐसा वो सब बंद करना चाहिए। क्योंकि पहले ही बच्चों को बहुत ही गिल्टी लगता है यदि वो बड़े होने के बाद में भी पेशाब करते हैं। तो अभी मेरे यहाँ लड़की एक लाया था, उसकी उम्र 17 साल की है, अभी शादी का चल रहा है उसका, कि अभी बस 1-2 साल में शादी करेंगे उसकी, और माँ बाप को चिंता है, लड़की को चिंता है कि शादी होके जाएंगी तो फिर ऐसे ही करेंगी तो कैसा होगा, बेड में पेशाब करेंगी तो मतलब इतने बड़े होने तक भी लोग वो टॉलरेट करते रहते, उसका इलाज करते नहीं है। फिर बड़े होने के बाद में यदि मतलब 11-12 साल के, 13 साल के बच्चे, वो कहीं बाहर जाते नहीं हैं, किसके यहाँ मेहमान करके जा सकते नहीं हैं, क्योंकि उनको वहाँ डर लगता है कि वहाँ पेशाब हो जाएगा, या कोई मेहमान घर में आते हैं तो उनको डर लगता है कि अभी कैसा होगा, सबको मालूम पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम मतलब एम्बेरसिंग, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है माँ बाप को और बच्चे को भी। ट्रीटमेंट में देखना पड़ेगा कि इसमें एंग्जाइटी बच्चे को है क्या, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, उसको सजा कुछ मिलेगी इसलिए घबरा के वो करता है, उसको फियर ऑफ फेलियर है क्या, तो ये सब देखना पड़ेगा कि उसको क्या टेंशन है, क्या कुछ फोबिया है, या सिर्फ एक ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, देखना पड़ेगा, वो तपासना पड़ेगा कि बाकी कोई और बीमारी है क्या। फिर हम उसको चार्ट देते हैं माँ बाप को, स्टार चार्ट। उस स्टार चार्ट का एक अलग मतलब सेशन ही हो सकेगा कि स्टार चार्ट, एक चार्ट लगाना है और उसके ऊपर उसको स्टार्स देने के, मतलब यदि वो ड्राई नाइट हो गई तो उसको स्टार देने का है बच्चों को, ऐसे स्टार उसको जमा करने के लिए बोलना, और फिर जितने स्टार हो जाएंगे वो हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, उस स्टार्स को रुपए में कन्वर्ट करना या कोई रिवार्ड में उसको कन्वर्ट करना स्टार्स को, तो स्टार चार्ट होता है, तो वो एक जरिया होता है बिहेवियर थेरेपी का। दूसरा है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा है नाइट अलार्म्स और उठाना और उसको ब्लैडर को ट्रेनिंग देना, चौथा है कि भाई शाम को 7 बजे के बाद में पानी वगैरह सब बंद, पानी पीना बंद कर देने का है, रात को 10 के बाद में फिर एक बार टॉयलेट जाके बच्चा आता है और बाद में सोता है, और बाद में उसको अलार्म लगा के उठाते हैं, तो नाइट अलार्म से उसका उसको फ़ायदा होता है, धीरे धीरे ब्लैडर ट्रेन हो जाता है। नेक्स्ट डेस्मोप्रेसिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राइक्सिफेनिडिल, ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया गया है, और ये सब दवाई दे के भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ये बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ये कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा होने के बाद में ठीक हो जाएगा ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, तो ऐसा न करते हुए जैसे 4 साल का बच्चा हो गया और उसको उसमें उसके बाद में भी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस है तो उसका इलाज साइकेट्रिस्ट के तरफ से होना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।